मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वीतरागी देव शास्त्र गुरु जयवंत प्रकाशन। वो जो गुरुदेव श्री के जीवन वृतांत को हम जान रहे हैं, एक महापुरुष जब आते हैं तो अपने साथ चौतरफा पुण्य का वैभव लाते हैं और साथ ही लाते हैं पवित्रता का पुरुषार्थ। एक्चुअली जिनके पास पवित्रता का पुरुषार्थ है हम उनका स्मरण करते हैं। पुण्य का उदय तो चक्रवर्ती को हो सकता है, होता है, इंद्र को भी होता है, लेकिन जैन शासन में पुण्य के गीत नहीं गाए जाते, पुण्य के वैभव के गीत नहीं गाए जाते। हम गुरुदेव श्री के ऋणी हैं तो इसलिए कि उनके पास इस पंचम काल में अद्भुत दुर्लभ एक पवित्रता थी, आत्मार्थ का उद्देश्य था, इसलिए उसके साथ पाप की प्रतिकूलताओं में संघर्ष होने पर भी वह पवित्रता नष्ट नहीं हुई। और हमारा उद्देश्य भी यह है कि वह पवित्रता हमारा आदर्श बने, हमारे जीवन में भी वो अवतरित हो। इस उद्देश्य से हम गुरुदेव श्री के जीवन वृतांत को जान रहे हैं। कल अंकन्यास के बारे में बताया था, बाद में एक जानकारी हमें मिली छोटी सी, इसलिए बता रहे हैं आपको कि अंकन्यास करते समय गुरुदेव श्री को इतना महत्व आता था, बैन श्री को इतना महत्व आता था कि कोई सामान्य स्टील की कटोरी नहीं लेते थे, सोने की कटोरी और सोने की सलाई, सोने की कटोरी और सोने की सलाई। सोने की कटोरी में बोटका में केसर पिसी हुई और उससे फिर वो सोने की सलाई से लिखते थे। और ये बैन श्री हमेशा संभाल के रखती थी। अब बात तो भक्ति के प्रतीक की है, बात सोने चांदी की नहीं है, बात कटोरी की नहीं है, बात है अंदर में जिनेन भगवंतों के प्रति, वीतरागी प्रतिमाओं के प्रति अपूर्व अर्पणता, भक्ति उसके प्रतीक हैं छोटे छोटे। ऐसी चर्चाएं तो बहुत हैं, लेकिन अभी हम 2015 में चलेंगे। हम संवत 2015 1959 सन के हिसाब से देखें तो 1959 गुरुदेव श्री की 70वीं जन्म जयंती 9 मई 1959 शनिवार के दिन फतेहपुर में मनाई गई। बहुत जोर शोर से फतेहपुर की जन्म जयंती मनाई गई। इसके बाद गुरुदेव श्री की तीर्थ यात्रा प्रारंभ हो रही है। अभी एक और तीर्थ यात्रा 2015 की तीर्थ यात्रा, इस 2015 की तीर्थ यात्रा भी बहुत फेमस रही। इसके पहले हम कुछ बताना चाहेंगे, 2015 इसकी तीर्थ यात्रा के पहले बहन श्री ने सारी बहनों को लगभग 27 बहनों के लगभग हो गई थी उस समय तक, तो सबको एक सप्ताह तक तीर्थ यात्रा जाने से पहले प्रतिदिन ट्रेनिंग देती थी। 2013 में भी दिए थे, लेकिन 2013 में जो अनुभव हुए दोनों बहन श्री को तीर्थ यात्रा संबंधी जो अनुभव हुए उसके आधार पर संबत 2015 की जो तीर्थ यात्रा निकली उसके पहले सारी बहनों को ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग किस बात की, एक बहुत मार्मिक बिंदु है, मतलब इस स्थान पर बहन श्री ने इतनी शिखामण दी कि देखो बहनों, हमारे निमित्त से गुरुदेव श्री का नाम नहीं डूबना चाहिए। कभी कोई उंगली उठाकर नहीं कहेगी ये सोनगढ़ की बहने हैं। देखो बहुत धीरे कह रहा हूं और बहुत शांति से सुनना इस बात को। इस बात की पहली चिंता, चाहे भूखे रह जाना लेकिन किसी भी कीमत पर चौबिहार का टाइम नहीं टालना,
चौ विहार करना, त्याग कर देना, रात्रि में भोजन पानी भूल के भी नहीं लेना, कहीं पर स्नान करने की व्यवस्था नहीं मिले किसी छोटे तीर्थ में, गांव में कुआं मिले, नदी मिले तो नदी में खुले मत नहाना, कुएं पर खुले में नहीं नहाना, जैसे बने वैसे बिल्कुल अपने सील की रक्षा करना, ऐसे इतनी शिखामण। एक अभी अब सुनो ध्यान से, एक बार तीर्थ यात्रा छूटे तो छूट जाए, क्या कह रहे हो, एक बार तीर्थ यात्रा छूटे तो छूट जाए लेकिन सील नहीं छूटे। जहां पुरुषों की भीड़ बहुत हो वहां की एक बार बंद ना छूटे तो छूट जाए, समझ में आ रहा कुछ, ये कितना मार्मिक बिंदु है, ये बहुत मेरे को याद आ रही इसलिए मैं आपको कहता हूं, ये शिखामण हम सबको सुनने जैसी है। आज क्या होता है, पुरुषों की भीड़ हो, छोटे छोटे मंदिर होते हैं, छोटे छोटे तीर्थों पर, पहाड़ों पर, छोटे छोटे जरा सा दरवाजा है, एक या दो आदमी घुस सके निकल सके, लेकिन उसी समय बहनों को जल्दी है, उसी समय भाइयों को जल्दी है, जगह भी नहीं खड़े रहने के लिए, ढोक देने के लिए, ये घुस रहे हैं, निकल रहे हैं, टकरा रहे हैं, भाग रहे हैं तो आंचल उड़ रहा है पहाड़ों पर, वो पुरुषों से टकरा रहा है, यही नहीं खबर पड़ रही नहीं कहां जा रहे हैं। तो बहन श्री ने इतना इतनी कोई बहनों का हाथ इतना से ज्यादा दिखे नहीं, पल्लू सिर पे और बिल्कुल इतना बंद, ब्लाउज यहां तक के पहनना, अरे एक एक चीज की हिदायत, कोई तकलीफ हो जावे पुरुषों से बात नहीं करना, पहले पहले बहन श्री को बोलो, व्यवस्था होगी जब वो बनेगी, अपने पुण्य पाप का विश्वास रखो, जल्दबाजी नहीं करो इतनी, नहीं तो मालूम क्या होता है, एक दृश्य बताता हूं, दृश्य समझ लो, एक बस में अपन सब तीर्थ यात्रा करने चले चले ना, तो जैसे ही बस धर्मशाला के सामने पहुंची क्या करेंगे अपन सबसे पहले, हाजू भाई कि सबसे पहले दौड़कर कमरे पर कब्जा करो, नहीं क्या करेंगे क्या, सबसे पहले दौड़कर जल्दी से सबसे बढ़िया कमरा कौन सा है, सबसे बढ़िया गद्दा बिस्तर कहां है, सबसे बढ़िया ओ बर्तन। तो बहन श्री बोले चाहे हमें पुण्य पाप का भरोसा करना, हमें दौड़ दौड़ कर नहीं करना, हमें जल्दबाजी नहीं करना, जगह कम हो तकलीफ उठा लेना, लेकिन ये नहीं कहना कि इधर नहीं आओ इधर नहीं आओ, इधर हम अकेले हैं परेशान हो रहे हैं, ऐसा लाख परेशानी उठा करके भी ओफ नहीं करना, ऐसे प्रतिदिन इतने समझा समझा करके ट्रेनिंग देते थे कि अब वो मैं अभी उस पर पूरा प्रवचन करूंगा तो कम से कम 2 घंटे चाहिए उसके लिए, अभी मैं 2 घंटे अभी नहीं बोल रहा हूं। फिर कभी मैंने अभी पिछली जब जबलपुर में हम गए थे तब इस पर 2 घंटे प्रवचन किए थे इसी बात पर कि तीर्थ यात्रा जैनों को कैसे करनी चाहिए, 2 घंटे वो तब वो याद आती थी गुरुदेव श्री की और बहन श्री की। 52 गजाजी पर्वत पर यदि आप गए हो 52 गजाजी पर, तो होता क्या है जब 800 लोग हों 800 लोग तो गुरुदेव श्री तो फटाफट चढ़ जावे, और पुरुषों को जनरली कम काम रहता है ना, नहाए धोए कपड़ा पहने और चल दिए। अब बहनों को दिक्कत है, वे आए और बोले साहब गाड़ी तैयार चलो, तो बहनों की आफत, सामान भी अवेरना है, सामान पैकिंग भी करनी है, नहाना धोना है, ऊपर भी जाना है, कपड़े भी सुखाने हैं, तो अक्सर ये दिक्कत आती थी कि बहनों को तीर्थ यात्रा करने में बड़ी तकलीफ, क्योंकि सब भाई तो तैयार हो जाते। तो गुरुदेव श्री ऊपर 52 गजाजी के मंदिर में वो निकलने को हुए और बहने दौड़ती दौड़ती आगे एकदम, उन्हें ये लग रहा था गुरुदेव तो निकल गए, और गुरुदेव निकले नहीं थे, वो मंदिर में से निकले और बहने एकदम जल्दी जल्दी जल्दी, तो गुरुदेव श्री ने ऐसी आंख उठा के देखी ऐसे आंख उठा के देखी, ये क्या है असूच है। बहन श्री ने कही दो अपनी छोकरियों संभाल के रखो, बिल्कुल ऐसे सीधे, उम्र बहुत थी ना, अपनी छोकरियों को बोल दो संभाल के रखो, नहीं तो तीर्थ यात्रा करने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार तीर्थ यात्रा छूटे तो छूट जाए, लेकिन सील नहीं छूटने पावे। जब मैं ब्रह्मचर्य का प्रसंग सुनाऊंगा तब उसमें मैं विस्तार से बताऊंगा कि बहन श्री की सोच क्या थी ब्रह्मचर्य के बारे में और गुरुदेव श्री की सोच क्या थी। इस तरह से बहुत शिखामण देने के बाद तीर्थ यात्रा एक और प्रारंभ हुई, लेकिन 215 आवे उससे पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे जो कल 213 में रह गई।
2013 में गुरुदेव श्री का स्टील का पात्रा भी छूट गया था, छूट गया। अभी तीर्थ यात्रा करके आए तो अब क्या करें? तो सबसे पहले गुरुदेव श्री की भोजन व्यवस्था करने के लिए वो भोजन वाला जो कक्ष था ना, कमरा टेप रिकॉर्डिंग विभाग के बगल में, वो बना नहीं था उस समय। तो जहां टेप रिकॉर्डिंग आजकल हो रही है उस कमरे में, उस जगह पर छोटा सा कमरा, और उसको साफ सुथरा करके गुरुदेव श्री के भोजन की व्यवस्था वहां प्रारंभ की गई, और लगभग 1.5 वर्ष तक वहां पर भोजन का प्रबंध चलता रहा। बाद में फिर वो जब बन गया तो फिर भोजनशाला वहां पर गुरुदेव श्री की स्थानांतरित हो गई। अभी हुआ क्या, एक खास समाचार देना है कि जब गुरुदेव श्री का भोजन शुरू हो गया, आहार दान शुरू हो गया, तो अभी तक तो लाते थे पात्रा में, तो आहार दान का कोई अलग से देने का काम ही नहीं पड़ता था। ले अब जब गुरुदेव श्री आहार लेने लगे तो आप सबको दृश्य याद आ रहे होंगे, है ना? कि गुरुदेव श्री बैठ जाते थे और एक झारी में रोटियां रख करके, रोटी पापड़ जो भी रखना हो वो ऐसे सामने लोग खड़े होकर के और देते थे। अभी रसोई तो शुद्ध तैयार करते थे, बिल्कुल शुद्ध बहने करती थी ब्रह्मचारिणी बहने, और कोई का तो प्रवेश नहीं था, शुद्ध भोजन बन जावे। लेकिन लोगों को ऐसा लगे कि हमें आहार दान का लाभ कब मिले, बड़े बड़े सेठ आवे, सभी लोग आवे, गरीब लोग भी आवे, हमें आहार दान देने का अवसर कब मिले? तो वो इस तरह से पद्धति चली। उसमें बस वो दूर से लोग खड़े रहते थे और परस देते थे। अभी हुआ क्या कि अब लोगों को ऐसा लगता है ये तो आपने बनाया और आपने ही परस बा दिया, हमारा क्या लगा? तो लोग बहन श्री के पास आवे कि कुछ ना कुछ हमारी तरफ से फल सब्जी कुछ तो ले लो आप, तो पैसे देने लगे। अब पैसे देने लगे तो कोई 5 रुपए थोड़ी देंगे, 2 रुपए थोड़ी देंगे, 1 रुपए थोड़ी देंगे। तो बहन श्री को कोई सेठ आवे तो 1000 रुपए दे जावे, कोई आवे तो 500 दे जावे, कोई हो तो 5000 दे जावे, कोई हो तो 2 रुपए दे जावे, जिसकी जैसी ताकत। अब बहन श्री को बड़ी समस्या आएगी, अब हम करें क्या इस पैसे का, इतना खर्चा तो है नहीं। और लोग तो बिल्कुल सीधी सीधी भाषा में कहो तो मोक्षियों को तो ये लग रहा है कि हम क्या करें, गुरुदेव श्री के खातिर हम क्या अर्पण कर देवें। तो ऐसे करते करते कम से कम बहन श्री के पास 20-25 हजार रुपया हो गए। अभी बहन श्री को अब करें क्या, इधर ट्रस्टी लोगों को भी मालूम पड़ गया कि आहार दान का पैसा जुड़ता है, तो ये पैसा अलग रखने की क्या जरूरत। तो बहन श्री ने वो पूरा पैसा ट्रस्ट को दे दिया, तो ट्रस्टियों ने पैसा मिला करके गुरुदेव श्री के लिए एक गाड़ी खरीदी, पिलाई माउथ, जिसका विवरण कल नाम आया था ना, पिलाई माउथ खरीदी। वो आहार दान का पैसा और जो थोड़ा बहुत कम पड़ा उसका और पैसा मिला करके, और दोनों पैसे मिला करके गुरुदेव श्री के लिए गाड़ी खरीदी गई, उसका नाम रखा गया मंगल वर्धनी, जिसका नाम कल आया था। और दोनों बहन श्री ने मिलकर, समाज के पैसे से नहीं, ट्रस्ट के पैसे से नहीं, दोनों बहनों ने इतना प्रेम, दोनों बहनों का साथ साथ भोजन, साथ साथ बर्तन, साथ साथ रहना, साथ साथ शिक्षाएं, पढ़ना सुनना सब साथ साथ। अभी हुआ क्या कि उन्होंने, दोनों बहनों ने बराबर बराबर पैसा मिला करके जब गुरुदेव की गाड़ी आ गई तो एक बैंसी की बैंसी गाड़ी, पिलाई माउथ, उन्होंने भी खरीद ली। दोनों ने बराबर से पैसा मिला करके उसका नाम रखा गुरु पंथनी, माने गुरु के पथ में चलने वाली गाड़ी अर्थात बहने। तो इस तरह से दोनों गाड़ियां हुई, और अब इन दोनों गाड़ियों के द्वारा बहन श्री और गुरुदेव श्री की 2015 की तीर्थ यात्रा प्रारंभ होगी। तीर्थ यात्रा प्रारंभ हो गई, अब विवरण तो बहुत लंबा है, लेकिन इस तीर्थ यात्रा में समस्याएं बहुत थी। इस तीर्थ यात्रा में सबसे बड़ी समस्या थी कि एक तो दक्षिण तरफ की यात्रा करनी थी और बुंदेलखंड की यात्रा करनी थी, उत्तर प्रदेश की यात्रा करनी थी इस साइड की। दक्षिण क्षेत्र में तीर्थ यात्रा करने जाओ तो एक समस्या है कि भाषा की, वहां का खान पान, वहां की आबोहवा, और वहां की भाषा कोई समझे नहीं, हिंदी समझे नहीं, गुजराती समझे नहीं। अब बड़ी समस्या, एक समस्या उस जमाने में ज्यादा, आज के जमाने में इतनी समस्या नहीं है, अब एजुकेटेड लोग हैं, और जो टेलीविजन चल जाने से अब तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में सभी जगह थोड़ी ना थोड़ी हिंदी सब समझ लेते हैं और अंग्रेजी भी समझ लेते हैं। लेकिन उस जमाने में जब गुरुदेव श्री की तीर्थ यात्रा निकली 1959 में, उस समय टेलीविजन नहीं आए थे, टेलीविजन आए हैं 1982-84 में आए हैं, 82 या 84 एसीआर शुरू हुआ, नहीं आप क्या नहीं,
आपके यहां की बात नहीं चल रही बंबई की, हिंदुस्तान की बात चल रही है। मैंने जब एसीआर आया ना 82 का, तब वो पूरे देश में फैले तेजी से, उसके पहले नहीं थे, उसके पहले तो ये थोड़ी बड़ी बड़ी सिटियों में थे। चलो हमें ज्यादा नहीं कहना, हमें क्या कहना है कि एक तो भाषा की प्रॉब्लम, तो गुरुदेव श्री को और इतने सारे लोगों को लेकर जाएं कैसे, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई घटना घट जाए, कुछ पूछना हो तो कौन से पूछें, कोई बताने वाला नहीं है। दूसरी, जब उत्तर भारत में जावें तो वहां पर भिंड, मोरेना, नैनागिर, द्रोणागिर, टीकमगढ़ के आसपास, इस इलाके में डकैतों की समस्या बहुत थी, डकैती की। तो रामजी भाई और खेमजी भाई तो बिल्कुल, मेरे को तीर्थ यात्रा नहीं करानी बुंदेलखंड की। और नेमीचंद जी को यह लगता है कि बड़ी मुश्किल से तो गुरुदेव श्री का निकलना हुआ है ना सोनगढ़ से, और अब जिंदगी भी कितनी बड़ी हो गई, उम्र कितनी हो गई है ना, इस समय तक 70वीं जन्म जयंती, माने 69 ईयर्स ओल्ड, 69 वर्ष के हो गए गुरुदेव, 70वीं वर्ष की जन्म जयंती मन रही है फतेहपुर में। तो अभी समस्या यह थी कि यदि गुरुदेव श्री बुंदेलखंड की यात्रा छोड़ते हैं तो हिंदुस्तान की टॉप लेवल की यात्रा छूट जाएगी, एक से एक बढ़िया प्रतिमाएं, एक से एक बढ़िया मंदिर, अब करें क्या। तो राम जी भाई ने मना कर दिया, नेमीचंद जी बोले मैं गुरुदेव को लेकर जाऊंगा, जाऊंगा और जाऊंगा। तो फिर वो बोले कि आप गारंटी दो, लिखित 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 गारंटी दो कि गुरुदेव श्री को कुछ नहीं होगा। तो मालूम है क्या हुआ, नेमीचंद जी पाटनी जी को बाकायदा लिखित में साइन करके देना पड़े कि मैं अपनी जिम्मेदारी पर गुरुदेव श्री को यात्रा कराऊंगा, और उन्होंने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से मिलकर जो पैसा खर्च हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे पीछे जब तक उत्तर प्रदेश की यात्रा होगी बुंदेलखंड, बुंदेलखंड की, ललितपुर, ये सारी पूरी क्षेत्र की, बोले जब तक इनकी यात्रा होगी तब तक हमें सैनिक इतने चाहिए, पुलिस इतनी चाहिए, जितनी हमें जरूरत है उतनी चाहिए। पूरा खर्चा उठा करके पुलिस बुलाई गई और पूरे तीर्थ क्षेत्रों की लिस्ट दी गई पुलिस डिपार्टमेंट को, सुपरिंटेंडेंट को, और उसने सभी जगह चौकस, सभी जगह जासूसी के जाल फैला दिए, जो जो कर सकते थे बिल्कुल, कि कहीं पुलिस डाकू नहीं आ जावे, कहीं लूट नहीं हो जावे, कहीं भील नहीं आ जावे, कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं हो जावे, इतने अरेंजमेंट किए, और आखिरकार गुरुदेव श्री की जोरदार यात्रा कराई। 40 कार और 8 बस, ऐसे करीब 850 लोगों को पूरी तीर्थ यात्रा दक्षिण भारत की और इधर की, और किसी को भी बाल बांका नहीं हुआ, कोई का एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई की घटना नहीं घटी, किसी का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। बाद में रामजी भाई ने पूछा कि तुम्हारे, मैंने विल पावर बहुत है तुम्हारी, इतना तुम्हारा दृढ़ निश्चय बहुत है, ऐसे तुमने साइन कैसे कर दिए भाई, दबे गुरुदेव को कुछ हो जाता तो। तो नेमीचंद जी पाटनी जी बोले मुझे गुरुदेव श्री के पुण्य का विश्वास था इसलिए मैंने साइन कर दिए। हमें गुरुदेव श्री के पुण्य का इतना विश्वास है, अभी प्रभावना होनी है, इसलिए हमें कोई खतरा नहीं था। मैं समझता हूं हम आप में से कोई भी ऐसी रिस्क लेने की ताकत और पुण्य पुण्य का इतना भरोसा रखने की ताकत शायद, अब अपन सोचें जरा, गुरुदेव श्री जैसे की जिम्मेदारी लो, कुछ हो जावे तो पूरी जिंदगी क्या होगा, क्या हमारे निमित्त से गुरुदेव श्री कुछ हो जाए तो आप जिंदा रहने दोगे, मुश्किल पड़ जाएगी। लेकिन ये अद्भुत 2015 की तीर्थ यात्रा हुई, इसके प्रसंग भी आप तीर्थ यात्रा जो पुस्तक निकली है संस्मरण, उनमें से आप पढ़िए, बहुत सुंदर और बहुत विस्तार से लिखे गए हैं, उनकी बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा होगा। लेकिन गुरुदेव श्री की गांव गांव, नगर नगर, जगह जगह गुरुदेव श्री का जोरदार स्वागत किया गया, जोरदार। इसी समय संबत 2015 की तीर्थ यात्रा में ही डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेल जी अपने गांव के पास, बड़ौदा स्वामी ललितपुर के पास, उस समय छोटे थे ना उम्र, अभी तो मोरेना से पढ़ के आए थे ना, बंसीधर जी इनके गुरु थे जो गुरुदेव के पास 5 महीने रहे थे, उनके गुरु रहे, तो पढ़ लिख कर अभी आए थे, नई नई उम्र थी है ना, और अभी इनको मालूम पड़ा कि गुरुदेव श्री यहां से पधारने वाले हैं, सोनागिर जाने वाले हैं, तो बहुत हाथ जोड़े, बहुत नेमीचंद जी पाटनी जी के, कि साहब चाहे 5 मिनट के लिए हमारे गांव में गुरुदेव को रोक दो,
नहीं बिल्कुल नहीं, क्यों टाइम के पंक्चुअल। नमीचंद जी पाटनी जी टाइम के एकदम पंक्चुअल, नहीं बिल्कुल नहीं, किसी कीमत पर नहीं। इतने बजकर इतने मिनट पर पहुंचना माने पहुंचना, इतने बजे ऐसा पहुंचना माने पहुंचना, प्रवचन का टाइम ये वो बिल्कुल। देखो गजब बात, इन दोनों यात्राओं में एक भी प्रवचन नहीं चूका गुरुदेव का। टाइम सर पहुंच गए, प्रवचन हो गया, भोजन हो जावे और गुरुदेव श्री का आराम हो जावे दिन में, इतना अरेंजमेंट सोच करके चलते थे। बोलो तो हुआ यूं कि वो तो माने ही नहीं, तो डॉक्टर साहब भी तो आखिर दृढ़ निश्चय, कोई बात नहीं है। नेमीचंद जी पाटनी जी की गाड़ी आगे आगे जाती थी, सो उसको तो निकल जाने दिया और डॉक्टर साहब की गाड़ी आई तो सब लोगों ने बीच सड़क पर खड़े हो गए, 10-25 लोग उस गांव के जितने थे सब खड़े हो गए और जैन धर्म की जय, महावीर भगवान की जय नारे लगाए। तो गुरुदेव बोले आज सोचे कौन है क्या है, तो गुरुदेव उतरे तो डॉक्टर साहब ने झट से चरण छुए, साहेब हमारा इस छोटा सा गांव में आपका पदार्पण हो जाए 5 मिनट के लिए। हाँ चलो चलो और कुछ नहीं कुछ नहीं, एक जरा सा तखत रखा, जरा सा बिछात कर दी और जरा सा पांडाल बनाया हो तो बनाया हो, और सब बैठे 25 लोग आए, गुरुदेव आए और 10-15 मिनट प्रवचन किया, मांगली किया भगवान आत्मा और चलो। और अब इतने में वो गाड़ी जो आगे निकल गई थी नेमीचंद जी पाटनी जी की, उनको गुस्सा आया कि मेरे आज्ञा के बिना मेरे पूछे बिना गाड़ी गई कहां है ना, तो लौट के आए, इतने नाराज हुए डॉक्टर साहब के ऊपर, बिल्कुल नहीं मेरी, क्योंकि जिम्मेदारी रहती है ना, रिस्क भी तो पूरी रहती है। मैंने अब इस मामले में जिन लोगों ने तीर्थ यात्रा की होगी इसमें 2015 में, उन्हें मालूम है कि नेमीचंद जी पाटनी जी कितने दृढ़ निश्चयी, कितने अनुशासन प्रिय। अब नेमीचंद जी पाटनी जी का पूरा परिचय दिया जाए तो टाइम लगेगा, है ना, आएगा धीरे धीरे उनका परिचय और आएगा। बहुत बढ़िया प्रशासक, नंबर वन प्रशासक, प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटिव, इससे बड़े कोई एडमिनिस्ट्रेटर ना मिले आपको। लोग अक्सर जाते थे जयपुर और आलोचना करें कि साहब जी आपका ये आदमी खराब है, जो रसोईया खराब है, जो क्लर्क खराब है, तो सुन ले मैं पूरी बात सुन ले मैं, बोले कुछ नहीं, फिर बाद में धीरे से बोले एक काम करो आप एक अच्छा रसोईया ले आओ, मैं इसको बदल दूंगा, बस बात खत्म आप इससे अच्छा क्लर्क ले आओ तो मैं बदल दूंगा, बस बात खत्म। मैं जवाब सवाल नहीं, झगड़ा नहीं, चैपे नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है आलोचना करना सरल है और व्यवस्थाएं मिलाना बहुत कठिन है। मैंने एकदम गंभीरता अंदर में दृढ़ निश्चय से फैसला करना, बस कुल मिलाकर विशेषताएं बहुत हैं, उनकी चर्चा बाद में करेंगे। अभी तो तीर्थ यात्रा चल रही है और इसी तीर्थ यात्रा में पहुंचे खेरागढ़। खेरागढ़ में एक भी दिगंबर जैन घर नहीं, लेकिन वहां पर एक परिवार कन्वर्टेड हुआ, परिवर्तित हुआ, और उस परिवर्तित परिवार ने गुरुदेव श्री को याचना की, प्रार्थना की कि साहब हमारे यहां वेदी प्रतिष्ठा करा दो। हाँ गुरुदेव श्री चलो प्रेम से, यानी एक परिवार ओनली, कोई दिगंबर परिवार नहीं, सब विरोधी, और वहां पर खेरागढ़ में प्रतिष्ठा कराई। वहां पर दो बहनों ने ब्रह्मचर्य लिया, दो बहनों ने, और जोरदार वहां पर प्रतिष्ठा हुई। और इस तरह से आगे चलते चलते एक दिन बता देता हूं आपको, चैत सुदी एकम 2015 अर्थात 9 अप्रैल 1959 गुरुवार के दिन यह प्रतिष्ठा हुई, जहां पर शांतिनाथ भगवान विराजमान हुए। और उसी समय 2015 में ही आपके बंबई में मुंबा देवी पंचकल्याणक 2015 में हुए, 11 दिसंबर 1958 गुरुवार के दिन है ना, यहां पर आपके पंचकल्याणक हुए, जिसके मंदिर की लागत 4 लाख रुपए लिखी गई, 4 लाख रुपए पूरे पंचकल्याणक का खर्च उस जमाने में 2.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया और इनकम हुई थी 2.5 लाख। मैं क्यों बता रहा हूं इनकम और खर्चे, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि गुरुदेव श्री के प्रताप से ही ये काम संभव हो रहा है, हुआ है, कि जब से गुरुदेव श्री के नाम से उनके निमित्त से कोई शिविर लगे कि विधान हो कि पंच कल्याणक हो कि वेदी प्रतिष्ठा हो, पैसा बचा ही है, घाटा नहीं हुआ,
देखो अब इससे पुराने पंच कल्याणक और विधान और कुछ हुए हों तो उनका इतिहास आप खोज लो। मुझे इतिहास मालूम है, एक इतिहास, अब इतिहास है ना जैन दर्शन, जैनों का इतिहास। एक गांव में 10 साल तक वेदी प्रतिष्ठा इसलिए नहीं हो पाई थी कि पैसा कहां से आए। वेदी तैयार, मंदिर तैयार और वेदी प्रतिष्ठा 10 वर्ष तक इसलिए नहीं हुई कि पैसा कहां से आए। मैंने लोगों को छोटा सा 2 दिन का 3 दिन का प्रोग्राम करने के लिए भी पैसा जुटाने में कितनी तकलीफ हो सकती है इससे समझ लो आप। शिविर लगाने की तो कोई परंपरा थी ही नहीं। विधान भी कब होते थे पता है? विधान 99% विधान कब होते थे? जब हमारा बच्चा ठीक हो जाए, हमारे घर में संतान हो जाए तो, हम मुकदमा जीत जाए तो। मैंने इस तरह से क्या कहते हैं मनोती बोल देते हैं तो। लेकिन धर्म प्रभावना के खातिर वो तो बहुत कठिन था। तत्व प्रचार प्रसार तो शून्य जैसी स्थिति थी, शून्य जैसी। एक गुरुदेव श्री का प्रताप है कि उस जमाने में भी 50,000 रुपए बचे और आज तक जितने शिविर लगे, जितने पंच कल्याण, जितने विधान, जितनी वेदी प्रतिष्ठा, उसमें 1,00,000, 2,00,000, 50,000, 4,00,000, 25,00,000 तक अभी तक ये सुनने में आया 25,00,000 रुपए, 40,00,000 रुपए तक लोगों को पंच कल्याणक में बचे। एक खेत का समाचार दे देवे, दुख का समाचार भी सुन लो। और ये दुख की बात है कि हमने गुरुदेव श्री के प्रताप का दुरुपयोग करके अब इसकी मार्केटिंग शुरू कर दी। अब हमें ये लगता है कि पैसा इकट्ठा करना हो तो पंच कल्याण करो, ये करना हो तो ऐसा करो। ये उल्टी मान्यता है, ये हमारी उल्टी सोच है। हमें मनी माइंडेड नहीं होना चाहिए। गुरुदेव श्री ने केवल तत्व के माइंड से, तत्व की बुद्धि से, तत्व के लिए, तत्व के खातिर काम किया था और आज हमने गुरुदेव श्री के प्रताप को भुनाना शुरू कर दिया। हम शिविर लगाएं तो, विधान लगाएं तो, और कुछ करें तो, पंच कल्याण करें तो यही लगता है। जैसे मान चलो कुछ शिविर पंच कल्याण हुआ तो सबसे आखिरी में ये नहीं पूछते कि कितने लोग परिवर्तित हुए, कितने प्रभावित हुए, कितने धर्मात्मा हुए, कितनों का जीवन बदला। मालूम क्या पूछते हैं? कितना पैसा बचा, पैसा कितना बचा। और यदि उसने कहा कि 5,000, अरे बेकार, तुम्हारा पंच कल्याण बेकार, 5,000 बस, 5,000, अरे हमारे पंच कल्याण में 25,00,000 बचे। मैं कहना चाह रहा हूं कि तुम्हारा पंच कल्याण कराना, तुम्हारा विधान कराना, तुम्हारी प्रतिष्ठा कराना, तुम्हारा शिविर कराना और इस जीवन में गुरुदेव को पाना, ये पूरा का पूरा मिंडा हो गया। ये नील हो गया, नील। मैंने अभी जबलपुर में पंच कल्याण के बारे में और सागर में बहुत बोला, इसके मामले में बहुत बोला कि हम तुम्हारा पंच कल्याण तब सफल माने जब तुम ये कहो कि हमारे पंच कल्याणक में एक भी आदमी को तकलीफ नहीं हुई, पैसा नहीं बचा, 25,000 घाटे में चला गया, तो मैं मानू कि तुम्हारी भक्ति सच्ची है। पैसे को देख देख करके हमारे परिणाम ऐसे रहेंगे, अरे पैसा थोड़ा है, नहीं करना, खर्च नहीं करना, तो फिर बेकार है। शॉर्ट में कह दूं तो मनी माइंडेड हमें नहीं होना चाहिए। गुरुदेव श्री ने ज्ञान के खातिर धन कुर्बान किया था, धन के खातिर ज्ञान कुर्बान नहीं किया था। अब अपने हित की सीख के लिए कहते हैं, हमें भी धन के खातिर अपना ज्ञान नहीं लुटाना चाहिए। एक बार ज्ञान के लिए धन जाए तो चला जाए। अब थोड़ा कहेंगे, बोलता बहुत हूं, आगे चलना है मेरे को। अरे रे प्रभु क्या कहें। इस तरह से तीर्थ यात्रा करते करते जब सोनगढ़ वापस आए तो यहां पर यात्रा के बाद 24 तीर्थंकर का विधान इस उपलक्ष्य में किया गया कि हमारी तीर्थ यात्रा बहुत अच्छे से हुई। देखो ये परिपाटी करके जब जब आए एक विधान मांडा, हर्षोल्लास, खुशी, अरे हमारे महाभाग्य है, तो एक विधान किया। एक दिन गुरुदेव श्री जंगल में गए, इसकी चर्चा कल अपन ने की थी। 71वीं जन्म जयंती उमराला में मनाई गई, 27/4/1960 के दिन, बुधवार के दिन, पौष के महीने में, दिसंबर के महीने में बड़िया, जैतपुर और गोंडल में वेदी प्रतिष्ठाएं हुई 3। और यहीं से अब थोड़ी सुविधाएं मिलने लगी तो गुरुदेव श्री की टेप रिकॉर्डिंग कभी कभी होने लगी। कभी कभी मैंने जब अच्छी अच्छी महत्वपूर्ण गाथाएं आए, छठी गाथा आवे, 14-15 नंबर की गाथा आवे,
31 32 33 नंबर गाथा अभी ऐसे खास खास, तो कभी कभी उनकी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई यहां से। यहां रिकॉर्डिंग के बारे में थोड़ी बात बता दें, अभी ये अमेरिका से लाना पड़ता था, मैं लानी पड़ती थी, और ये नंबर वन में तो मिलती नहीं थी मार्केट में। अब आप कहो साहब आप ऐसी बात ही बता रहे हो। बात ऐसी है कि नवनीत भाई झवेरी को इस बात का बहुत अंदर से था कि गुरुदेव श्री की उम्र 70 वर्ष की हो चुकी है, 71वीं जन्मयंती मन रही है, और ऐसा नहीं हो जावे कि गुरुदेव श्री का सारा तत्व गुरुदेव श्री के साथ चला जाए। बाद में हम किससे प्रमाण करेंगे मेरे और तुम्हारे में कोई डिफरेंस हो 31 नंबर की गाथा में, तो कैसे मिलाएंगे हम। तो गुरुदेव श्री को जीवित रहना चाहिए, गुरुदेव श्री को 18,500 वर्ष जीवित रखना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव श्री नहीं थे तब ये तत्व ज्ञान नहीं मिल रहा था, और गुरुदेव श्री चले जाएंगे तो उसके बाद भी ये तत्व ज्ञान नहीं मिलेगा, तब अकाल छा जाएगा, क्या करें। तो जिस प्रकार से ये झवेरी थे, बहुत मेहनत करके, ईमानदारी का व्यापार अच्छा, मैंने इनकी नैतिकता बढ़िया जीवन, और इन्होंने बहुत कोशिश करके वो सिस्टम जुटाया, लेकिन इसी बीच इन्हें एक नोटिस भी मिल गया कि गुरुदेव की रिकॉर्डिंग नहीं की जानी चाहिए, इन सब नंबर दो का है आदि आदि, हम कोर्ट में चले जाएंगे, यहां तक बात आई। तो नवनीत भाई झवेरी ने कहा कि मुझे कोर्ट में और जेल में जाना पड़ा तो जाने तैयार हूं, लेकिन इस जिनवाणी की सुरक्षा के खातिर मैं जेल जाने तैयार हूं। आप कल्पना नहीं कर सकते कितनी तकलीफें उठानी पड़ी, बार बार ये बात आवे कि ये विदेशी है, अमेरिका की है, हमें नहीं करना, हमें नहीं करना। नवनीत भाई झवेरी बोले ये तो हमें करना है, तो अमेरिका के थ्रू जैसे तैसे मंगाई उस जमाने में, और आखिरकार कभी कभी रिकॉर्डिंग प्रारंभ हुई। बीच बीच में जब रिकॉर्डिंग बंद कर दी जावे, कोई ना कोई तूफान तो मचता ही था ना, कुछ लोग नहीं चाहते थे, जो गुरुदेव के विरोधी थे वे नहीं चाहते, तो ऐसे लोग तो सैन लगाते हैं ना, तो उन्होंने तो साफ कहा। तो गुरुदेव श्री को कभी कभी ऐसे लगे कि कैसेट क्यों नहीं उतराते हो कैसेट क्यों नहीं उतराते हो, और नवनीत भाई क्या बोलेंगे क्यों नहीं उतरवाते हैं, तकलीफें उन्हें बहुत थी उस जमाने में। तो अभी भी कभी कभी रिकॉर्डिंग प्रारंभ हुई, मैंने इतिहास इसलिए बता रहे हैं कि आप लोगों को यह मालूम पड़ेगा कैसेटों से सीडी आई है ना, ये बहुत आसानी से नहीं आई है, इसके लिए भी बहुत तकलीफें उठानी पड़ी बाद में। और आगे आशोज बदी अमावस 20 अक्टूबर 1960 गुरुवार के दिन एक नई पत्रिका और शुरू हुई, साप्ताहिक वीकली, डेली चल रही थी, अब वीकली शुरू हुई, मंथली चल ही रही थी, मंथली कौन सी आत्मधर्म, और डेली कौन सी चल रही थी सदगुरु प्रवचन प्रसाद, और अब वीकली शुरू हुई। ए वीकली में नाम था इसका स्वर्ण संदेश, जो चैत सुदी 2018 अर्थात 1962 तक चली, कुल 19 महीने तक ये चली, और इसके 76 अंक प्रकाशित किए गए। इसमें मनसुख भाई जो थे, मनसुख भाई वो टैप रिकॉर्ड जो कभी कभी उतरती थी, उस टैप रिकॉर्ड से वर्ड टू वर्ड शब्द सा ज्यों का त्यों उतार करके स्वर्ण संदेश में छापते थे। इस तरह से वीकली चली और 19 महीने तक चली। अभी इसी समय गुरुदेव श्री को आंख में मोतियाबिंद आ गया है ना। तो जेठ बदी तृतीया 2016 12 जून 1960 रविवार के दिन गुरुदेव श्री की बाई आंख, लेफ्ट हैंड साइड की आंख, उसके मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया। इससे पहले 1950 में भी थोड़ा थोड़ा तकलीफ शुरू हो गई थी, इसलिए जब गुरुदेव राजकोट पहुंचे थे 1950 में, तो डॉक्टर चंदू भाई पहली बार परिचय में आए उस समय, डॉक्टर चंदू भाई राजकोट वाले पहली बार परिचय में आए, 26-27 साल की उम्र थी डॉक्टर चंदू भाई की, और इनके पिताजी जज थे डॉक्टर चंदू भाई के, तो वे बोले पिताजी की तो रुचि थी, उनकी रुचि थी नहीं डॉक्टर चंदू भाई की, तो वे उन्होंने कहा कि जाओ गुरुदेव श्री को इंजेक्शन लगाना है मोतियाबिंद में, तो वे इंजेक्शन लगाने आते थे, तो गुरुदेव श्री ने पकड़ लिया, स्वाध्याय करते हो कि नहीं तो बोले नहीं नहीं करते, तो फिर उनको श्रीमद राजचंद वगैरह पढ़ने को दिया, और फिर उनसे कहा प्रवचन में आया करो। तो डॉक्टर चंदू भाई 2 वर्ष तक प्रवचन में आवे और हंसी करें, मतलब हमें कुछ समझ में तो आता ही नहीं है, उंगली उंगली के आरती नहीं,
ऊपर का ओंठ नीचे के ओंठ को अड़ता नहीं और पग जमीन ने अड़े नहीं, क्या प्रवचन हो रहा है? करे नहीं, करता नहीं, भोगता नहीं, ऐसे वे खुद बोलते, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। बाद में उनको 2 साल बाद पकड़ आई और फिर तो गुरुदेव श्री के ऐसे भक्त हुए कि यदि जरा भी मौका मिले तो हर संडे राजकोट से सोनगढ़ आते थे। बाद में इतना, और फिर गुरुदेव श्री से यदि जिस दिन प्रश्न नहीं पूछे तो गुरुदेव पूछे, चंदू भाई कोई प्रश्न इतने प्रश्न करने में मास्टर, मन प्रश्न बहुत करते थे, माने लॉजिक पावर जोरदार। तो इस तरह से 1950 का परिचय हुआ। लेकिन अभी इस समय गुरुदेव की बाई आंख का ऑपरेशन हुआ, और जब ऑपरेशन हुआ तो जो लोग वहां पर आए थे, गुरुदेव का 2-2.5 महीने तक प्रवचन रुक गया, 2-2.5 महीने तक, क्योंकि बोलने से ताकत पड़ती है, ताकत लगती है ना, तो आंख पर इफेक्ट आवे, तो 2-2.5 महीने प्रवचन नहीं हुए। तो लोग मालूम क्या करें, जो लोग श्रोता आते थे अब वो एक एक करके जाने लगे कि अभी तो प्रवचन हो ही नहीं रहा, अभी तो प्रवचन हो ही नहीं रहा, चलो चलो, अब सोनगढ़ खाली होने लगे। तो वैन श्री ने सबको बोला, अरे इस समय तो अपना और फर्ज बनता है, अभी तो गुरुदेव श्री को है ना अपना लाभ होवे तो अपन आ जावे, और गुरुदेव श्री की आंख का ऑपरेशन हो गया है तो इस समय तो और आना चाहिए ना, नहीं आए समझ में? क्यों, अपन बीमार हो गए ग्रस्त लोग, तो उस समय तो लोग आते हैं ना, और गुरुदेव के साथ उल्टा हो कि सब उल्टा छोड़ छोड़ के जा रहे, कोई प्रवचन तो हो ही नहीं रहा, प्रवचन तो हो ही नहीं रहा, चलो चलो। तो वैन श्री ने सबको ताकीद की, अरे कोई गुरुदेव श्री से प्रवचन मिले, यही बात थोड़ा ही है कि गुरुदेव श्री से हमें प्रवचन मिले, दर्शन मूर्ति तो है ना, दर्शन मूर्ति तो है, गुरुदेव साक्षात तो विराजते हैं, उनका दर्शन करो, उनके सामने रहो, उनकी परिचर्या करो। इस तरह से उनका गुरुदेव श्री का, और श्रावण सुदी पांचम 7 अगस्त 1960 रविवार के दिन गुरुदेव श्री जंगल में फिर गए, जंगल में, और फिर वही धुन लगाई और गुरुदेव श्री गुनगुना रहे थे तो ब्रह्मचारी हरि भाई धीरे से पहुंच गए धीरे से ढूंढते ढूंढते मालूम पड़ गया वो वृक्ष के नीचे बैठे हैं। तो गुरुदेव श्री अकेले बिल्कुल मस्ती में गा रहे, तो ब्रह्मचारी हरि भाई पेड़ के पीछे छिप करके लिख रहे कि गुरुदेव श्री क्या गा रहे हैं। वो क्या गा रहे थे, उन्होंने जो लिखा है वो मैं बता रहा हूं ज्या चेतन त्या अनंत गुण, ए बिल्कुल अकेले में गुरुदेव, ज्या चेतन त्या अनंत गुण को के बिली बोले, ज्या चेतन त्या अनंत गुण के बिली बोले, प्रगट अनुभव आत्मा प्रगट करो सब प्रेम ऐसे गुरुदेव अंदर ही अंदर गुनगुना रहे अकेले में बिल्कुल, एक बार दो बार चार बार मस्ती है, ज्या चेतन त्या अनंत गुण के बेड़ी बोले, प्रगट अनुभव आत्मा निर्मल करो सब प्रेम। समझ आया है ना, सरल है। और देखो, चेतन प्रभु प्रभुताता मारी चेतन धाम मा, समझ आ गया अर्थ, सरल है। फिर से, चेतन प्रभु किसको कह रहे हैं, किसको, चेतन प्रभु प्रभुताता मारी चेतन धाम मा, मेरी प्रभुता तो मेरे धाम में मेरे प्रदेशों में बस रही है, है? जिन भर प्रभु जी, जिन भर प्रभु जी पधार्या समो शरण धाम मा, भाला प्रभु जी विराजे विदेह धाम मा, ऐसे ऐसे अंदर अंदर गुरुदेव खूब गुनगुना रहे। बाद में, ते गुरु मारे चित बसो जे भव जलधि जियाज, आप तरे पर तारी हैं ऐसे बेरी सिराज, ते गुरु मारे चित बसो, ऐसे गुरुदेव खूब भक्ति कर रहे हैं करें अपन भी करें,
कर लेते हैं, आज बहुत दिन हो गए एक भक्ति लेते हैं, सभी लोग गाएंगे थोड़ी बहुत जोरदार, क्या करें, आनंद तो ले ही लो। देखो कहानी तो पूरी हो नहीं सकती, बड़ा कठिन काम है, हैं? सब आंख बंद करके एक सेकंड के लिए सोच सकते हो कि जंगल कैसा होगा। चारों तरफ उस जमाने का जंगल, घना जंगल, गुरुदेव विराजे हैं और पीछे छिपे हुए सुन रहे हैं, और दो चार से और आ गए तो चुपचाप चुपचाप, मालूम नहीं पड़े गुरुदेव को डिस्टर्बेंस नहीं हुए, ऐसे बैठ गए। निर्ग्रंथ दिगंबर साधु अलौकिक जग में, निर्ग्रंथ निर्ग्रंथ दिगंबर साधु अलौकिक जग में, निर्भय स्वाधीन विचरते मुक्ति मग में, निर्भय हाँ। कैसे हैं दिगंबर आचार्य, आचार्य अमृतचंद देव कुनकुन देव, निर्भय, नहीं किसी से भय जिनको, जिनसे भी भय ना किसी को, निर्भय ज्ञान गुफा में रहते, शिव मग दर्शाए सभी को, जंगल में मुनिराज हो, मंगल स्वरूप निज ध्यावे, बैठे समीप संत चरणों में, पशु भी बेर भुलावे, बैठे समीप संत चरणों में, हम सब शीश झुकावे। अर्थ समझ में आया, अर्थ, नहीं किसी से भय जिनको, जिनको किसी से भय नहीं, शेर आ जाए तो भय नहीं, उपसर्ग आ जाए तो, बाढ़ आ जाए तो भय नहीं, और जिनसे भी भय ना किसी को। दिगंबर मुनिराज बैठे हैं, सांप आ गए भय नहीं उसको, ए हिरण आ गया हिरण, खाज खुजा रहा है खाज, खाज खुजा रहा है भय नहीं उसे भय, कौआ आ गया कौआ और बैठ गया भय नहीं है। नहीं किसी से भय जिनको, जिनसे भी भय ना किसी को, निर्भय ज्ञान गुफा में रहते, कौन सी गुफा में रहते हैं, शिव मग दर्शाए सभी को, ठीक है अर्थ आ गया, निर्भय स्वाधीन विचरते मुक्ति, अंतर दृष्टि प्रगटाई, निज रूप लख्यो सुखदाई, निज बाहर से हुए उदास, बाहर से हुए उदास, सहज अंतरंग में, सहज अंतरंग में, निर्ग्रंथ दिगंबर साधु अलौकिक जग में, निर्ग्रंथ दिगंबर साधु अलौकिक जग में, जग में कुछ सार न पाया, जग में कुछ सार न पाया,
जग में कुछ सार न पाया, अंतर पुरुषार्थ बढ़ाया, तज सकल परिग्रह भोग। ये दूसरी लाइन सुनना, आप दूसरी लाइन सुनने का आनंद लेना। तज सकल परिग्रह भोग, बसे जा बन में, बसे जा बन में, निर्ग्रंथ दिगंबर साधु अलौकिक जग में, निर्ग्रंथ दिगंबर निर्दोष 28 गुण हैं, निर्दोष 28 गुण हैं, देखो निज माही मगन हैं, देखो निज माही मगन हैं। आह देखो आचार्य रामचंद्र देव, आचार्य कौन कौन देव हैं, निर्दोष 28 गुण हैं, निर्दोष 28 गुण हैं, देखो निज माही मगन हैं, देखो निज माही मगन हैं। अब सुनना है? कुछ ख्याति लाभ पूजा दी, कुछ ख्याति लाभ पूजा दी, चाह नहीं मन में, चाह नहीं मन में, निर्ग्रंथ दिगंबर साधु अलौकिक जग में, निर्ग्रंथ दिगंबर साधु अलौकिक जग में। क्या किया है दिगंबर महाराज ने? जिन तीन चौकड़ी टूटी, तीन चौकड़ी टूटी, ममता की बेड़ी टूटी, ममता की बेड़ी टूटी, अद्भुत समता बरते जिनकी परिणति में, जिनकी परिणति में, निर्ग्रंथ दिगंबर साधु के जग में, निर्ग्रंथ दिगंबर जग में, अलौकिक जग में, निर्ग्रंथ दिगंबर साधु अलौकिक जग, निष्प्रहयातम आराधे, सुनो निष्प्रय मालूम, निष्प्रय माने बिना इच्छा के, तुम सम्यक दर्शन की इच्छा से आत्मा की आराधना करते हो इसलिए सम्यक दर्शन नहीं होता। संवर निद्रा केवल ज्ञान मोक्ष कब हो कब हो, ऐसी इच्छा से आत्मा को आराधोगे तो नहीं होगा। दिगंबर महाराज कैसे हैं, केवल ज्ञान कब हो ये नहीं, कब हो ये नहीं, निष्प्रय आत्म आराधे, रत्न त्रय पूरण साधे, निष्कंप रहे परिसह, निष्कंप रहे परिसह, और उपसर्गन में निष्कम परिसह होगी उपसर्ग हो निष्कम है, निष्कंप रहे परिसह और उपसर्गन में, निर्ग्रंथ दिगंबर साधु अलौकिक जग, शुद्धात्म स्वरूप दिखावे, शुद्धात्म स्वरूप दिखावे, शिव मार्ग सहज बरतावे, और हम उनके ऐसे गुणों का चिंतन करके, गुण चिंतन कर निज शीश धरे चरणन में, धरे चरणन में,
निर्ग्रंथ दिगम साधु अलौकिक जग में गुण चिंतन कर निज शीश धरे चरणन में धरे चरणन में निर्ग्रंथ दिगंबर साधु अलौकिक जग में निर्ग्रंथ बर साधु अलौकिक। और देखो क्या हुआ इस तरह अद्भुत भक्ति के दिन ऐसे गुरुदेव श्री के जीवन में कई बार आए। ये तो गुरुदेव श्री को जंगल मिलना चाहिए, बस जंगल मिला और जैसे तुम्हारा कनेक्शन जुड़ जाता नहीं, ऐसा उनका कनेक्शन सीधे मुनिराजों से और सिद्धों से जुड़ जाता था। अभी चलो इसी समय एक घटना घटी, किसी को भी नहीं मालूम कैसे क्या हुआ, लेकिन दक्षिण अफ्रीका से इस समय तक सोहनगढ़ में 27 ब्रह्मचारिणी बहनें थीं और इसी समय दक्षिण अफ्रीका से प्रत्येक बहन के लिए 101 रुपए की कैश अमाउंट, 27 बहनों के लिए एक एक बहन के लिए 101 रुपया, ऐसे 2727 रुपया, और जामनगर के मंदिर के लिए 65,000 रुपया और 51,000 रुपया, ऐसे तीन ड्राफ्ट आए। कौन ने भेजे ये मालूम नहीं। जामनगर के लिए मंदिर बने, वेदी प्रतिष्ठा आदि होवे, कार्यक्रम होवे, उसके लिए 65,000 और 51,000 के दो पत्र आए और 27 बहनों के लिए 101 रुपए का राशि आई। अब ये जानकारी क्यों दे रहा हूं कि लोगों को गुरुदेव श्री के प्रति और सोनगढ़ के प्रति कितनी अर्पणता, कोई नाम की चाह नहीं कि हमारा नाम हो। यदि किसी को मालूम पड़ जाए कि जामनगर में पंचकल्याण में कमी हो सकती है तो वहां से अपने आप पैसा कहां से आ गया, एक हवा मैंने इस तरह की घटनाएं भी गुरुदेव श्री के जीवन में बहुत घटी, उसकी चर्चा अभी हुई। अभी अपन आगे चलना चाहेंगे, संवत 2017 है, आज अपन कोशिश करेंगे 2020 तक पहुंचे अपन है ना। 2017 है, 1961 में गुरुदेव श्री की 72वीं जन्म जयंती सोनगढ़ में मनाई गई 17/4/61 सोमवार के दिन, और परिवर्तन के ठीक 26 वर्ष बाद, अर्थात गुरुदेव की उम्र हो गई 71 वर्ष की कंप्लीट, तब गुरुदेव श्री की डेली रिकॉर्डिंग प्रारंभ हुई। जर्मनी स्कूल आए थे, जर्मनी स्कूल एक 26,000 रुपए का टेप रिकॉर्डर आया जर्मनी से, 26 दो टेप रिकॉर्ड मंगाए गए, 26 ऐसे बड़े बड़े, ताकि एक खराब हो जाए तो दूसरे से काम चले। अभी भारत में ऑडियो सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था, कौन से सन तक, सन 1961 तक, क्योंकि उस समय जर्मन से स्कूल मंगाए गए, वे बड़े बड़े स्कूल आते थे, 3 घंटे के प्रवचन भर जाते थे उसमें, और अभी जो अपन कैसेट लगाते ना ऑडियो, तो इसको बदलना पड़ता साइड, तो 1-2 मिनट का तो प्रवचन कट जाता है, लेकिन गुरुदेव श्री का बिल्कुल प्रवचन नहीं कटे। तो मैंने स्वयं भी 80 की पूल देखी है, स्कूल 80 में भी उससे रिकॉर्डिंग होती थी, एक बड़ा डब्बा सा रहता था और वो एक दो चक्री घूमती रहती थी ऐसी, ऐसी जैसे आजकल तुम्हारी ये VCR वगैरह में घूमती रहती ना, ऐसी वो बड़ी बड़ी घूमती थी, तो उसमें गुरुदेव के प्रवचन रिकॉर्डिंग, और यहां से गुरुदेव श्री के अंतिम प्रवचन तक पूरे रिकॉर्ड किए गए। लेकिन ध्यान रखना मात्र सोनगढ़ के, यहां भी एक तरह से मैं कहूंगा कि थोड़ी चूक तो कहनी चाहिए कि गुरुदेव श्री के जहां जहां गुरुदेव श्री जाते थे वहां पर रिकॉर्डिंग के सिस्टम जाने चाहिए थे, हालांकि नहीं गए तो भी अब जो होना था अपना पुण्य उतना ही था, अपना ही पुण्य कम था लेकिन फिर भी कम नहीं है, 8,500 कैसेट मिल गई। और अभी आपको क्या बतावे, आज की तारीख तक में एक गिनीज रिकॉर्ड है, विश्व रिकॉर्ड है, हमने लिखवाया नहीं है ये अलग बात है, लेकिन ये विश्व रिकॉर्ड है कि किसी एक संत की और एक छोटे से गांव में या विश्व के किसी भी नगर में गांव में 8,500 कैसेट बनना ये विश्व रिकॉर्ड है। उस जमाने तक की बात कर रहे हो, अभी गुरुदेव श्री के 1980 तक की बात, इसके बाद भी अभी तक सुनने नहीं मिलती कि इतनी रिकॉर्डिंग किसी की हो रही हो, और वो भी एक स्थान पर एक गांव में, ये अपने लिए विश्व रिकॉर्ड जैसी बात है ना। तो इस तरह से ये हुआ, जामनगर का पंचकल्याणक 2017 में हुआ, साबरकुंडला में भी वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। घटना तो साबरकुंडला की बहुत अच्छी है लेकिन अभी बताएंगे नहीं, हम टाइम बहुत लग जाएगा उसमें, लेकिन ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं गुरुदेव श्री के परिवर्तन के बाद कि गांव गांव में एक एक परिवार
बाबजी भाई, उनके पुत्र हरजीवन भाई, जिन्होंने व्यापार करने के लिए भावनगर जाते थे, तो रास्ते में गाड़ी में जाते थे बस में, तो सुनने को मिला, सुनने को कि कोई यहां थानकवासी साधु दीक्षा छोड़कर श्रावक बनकर यहां रहता है ऐसी, तो जिज्ञासा से देखने पहुंच गए। जबकि हरजीवन भाई तो हिंदू महासभा में क्रांतिकारी थे देश की आजादी के आंदोलन के चक्कर में, लेकिन एक जिज्ञासा हुई यह ऐसा कौन क्रांतिकारी है जिसने साधु दीक्षा छोड़कर इधर आया, तो देखने गए तो प्रवचन सुना, एक दिन दो दिन, फिर वीकली जाने लगी। और फिर एक दिन ऐसा भाव आया कि घर आकर के बताया कि अपने को तो दिगंबर जैन होना है, अपने परिवार में सबको बताया, तो सब जने तो एकदम नहीं माने ना, खूब चर्चा हुई, वार्ता हुई, ये बात गांव में फैल गई, तो सारे के सारे विरोधी हो गए। ये श्वेतांबर देरावासी थानकवासी नहीं थे, श्वेतांबर देरावासी थानकवासी नहीं थे, मोटा व्यापार नगर सेठ, और पूरे देरावासियों ने इनका विरोध, लेकिन उन्होंने साहब पूरे गांव का विरोध उठा करके भी अपने घर में पहले गृह चैत्यालय बनाया। सन 1954 में इनकी माताजी भगवान को दर्शन करते करते देह छूट गई, 1954 में भगवान उनका दर्शन करते करते, तो इन्होंने 9 दिन का उत्सव किया समाधि मरण की मृत्यु महोत्सव की खुशी में, 9 दिन का। अभी भोजन रखा, भोजन सारे गांव का, तो इस समय देरावासियों ने यह बात कही कि हम तुम्हारे यहां एक भी समाज का व्यक्ति नहीं आएगा, उस समय तक अकेले। 1952 में इन्होंने दिगंबर चैत्यालय बना लिया अपने घर में, बहुत बड़ी हिम्मत की बात है भाई साहब, एक गांव में एक व्यक्ति अकेला अपने चैत्यालय बनाए 2 साल, और 2 साल बाद जब इनकी माताजी गुजर गई 1954 में, तो देरावासियों ने कह दिया कि हम तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे जब तक तुम ये मंदिर नहीं हटाओ, हम तुम्हारे यहां भोजन में नहीं आएंगे, वो कार्यक्रम में नहीं आएंगे। तो भी इतने दृढ़ रहे कि चाहे कोई आए के नहीं आए, नहीं आओगे तो भोजन तो मैं सबका बनाऊंगा, आना हो तो आ जाना, नहीं आना तो मैं हरिजन के आवास में जाके बांट दूंगा, हरिजन की बस्ती में जाके बांट दूंगा, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। ये आप सामान्य बात नहीं समझने इस बात को, एक व्यक्ति इतना बोल्ड कि तुम्हें जो दिखे सो करना। एक भाई तो गुस्से में आके छतरी लेके मारने दौड़ा, गुरुदेव श्री को 3 दिन का वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करवाया, तो अभी भी एक ही परिवार, गुरुदेव श्री को बोला कि साहब आप पधारो हमारे यहां वेदी प्रतिष्ठा कराओ, आप बड़ा विशाल अच्छा मंदिर बनवाया, अच्छा गृह चैत्यालय हटा के मंदिर बनवाया। तो 3 दिन की वेदी प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जी काले अक्षरों से लिख दिया विरोध विरोध विरोध, कांजी स्वामी पछी जाओ पछी जाओ, जितना इन्होंने ठान लिया, और कोई छतरी लेके मारने दौड़ा, बीच बचाव किया, झुके नहीं। इनके गांव में इनकी कितनी तकलीफ हो सकती है, आप जिनकी रोटी बेटी चलती हो छूटती हो, बोलो कल बच्ची की शादी कहां करें, पोते पोतियों की शादी कहां करें, पढ़ाने कहां भेजें, लेकिन सारी तकलीफ उठा करके भी अपना दिगंबर मंदिर नहीं छोड़ा। और गोदे श्री आए तो उसी गांव के 20% देरावासियों ने फिर उसी प्रोग्राम में शामिल होकर के गुरुदेव का साथ दिया, सबने उस कार्यक्रम में सहयोग किया। फिर मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ये कुछ गुरुदेव श्री के जीवन काल में जो अद्भुत इतिहास बना है, कोई अद्भुत है, इसमें एक एक व्यक्ति ऐसा लग रहा है जैसे कोई लोहे का बना हुआ हो। भाई साहब हम तो जरा में डिग जाते हैं जरा में। और मैं आप सबको कहता हूं ये बात, जब इनके पुत्रों के पुत्रों से लहरचंद जी के पुत्र, लहरचंद जी भाई भाई थे, लहरचंद जी और हरजीवन भाई, तो उनके जब पुत्र अभी मिले मेरे को देवलाली में, उन्होंने पूरा किस्सा सुनाया मेरे को, तो बोले आज हम इतने गौरवान्वित हैं, पूरे भाई स्वाध्याय करते हैं, पूरे परिवार आज भी पूजा प्रक्षाल करते हैं, उनकी माता जी ने इतना दृढ़ कि बेटा जब तक पूजा प्रक्षाल नहीं करोगे तो रोटी नहीं मिलेगी। देरावासी से दिगंबर हुए और ये रोटी नहीं मिलेगी बेटा पहले ये करो। लहरचंद जी ने अपने 5 पुत्र हैं इनके, सभी कोई डॉक्टर है कोई इंजीनियर है, वो सब अच्छे अच्छे नाम मेरे पास सब डिटेल है। तो लहरचंद जी ने ये कह दिया कि तुम्हें पिकनिक सैर सपाटा करने के लिए छुट्टी नहीं मिलेगी, तुम्हें जिस दिन भी पिकनिक सैर सपाटा करना हो तो सोनगढ़ जाओ।
सोनगढ़ भेजे, बस सोनगढ़ जाओ। आप तो समझ में आवे के नहीं आवे, तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना लो, जितना खर्चा करना है करो, लेकिन पिकनिक सैर सपाटा करने नहीं, इधर जाओ। स्वयं लहरचंद जी हरजीवन भाई ने पाठशाला शुरू करी अपने गांव में, एक परिवार होते हुए पाठशाला पढ़ावे, नियमित प्रवचन चलावे। मैं तो सोचता हूं कि एक आदमी इतना पुरुषार्थ करे तो अपने लिए कोई, और आप सबके लिए ये प्रेरणा देना चाहते हैं। आज हम एक व्यक्ति जिसको तत्व समझ में आया, गुरुदेव समझ में आवे, तो उसने दुनिया की परवाह नहीं करी, और हम दुनिया की परवाह करके रात्रि भोजन करने लगे कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, हम पूजा प्रक्षाल कैसे करें, दुनिया क्या कहेगी, फ्रेंड सर्कल क्या कहेगा, और हम व्रत उपवास कैसे करें पर्यूषण के, लोग क्या कहेंगे। मैं आपको सच कहता हूं, ये पूरी डिटेल कहानी नोट की मैंने इसकी, क्योंकि मैं चाहता था कि काठियावाड़ में और उधर सौराष्ट्र में आखिर ये इतनी बड़ी क्रांति हुई है तो इसके पीछे कौन थे, और ये गांव गांव मंदिर कैसे बन गए उस समय में, ये कोई अद्भुत समर्पण है। और हमारी बहुत जिम्मेदारी है, ये मंदिर मिले हैं तो हमें संभालने हैं, ये गुरुदेव की संस्कृति मिली तो हमें संभालनी है। थोड़े में इतना समझ लो कि कभी भी हमें देवसास गुरु के प्रति अर्पणता में, पूजा में, प्रक्षाल में, रात्रि भोजन छोड़ने में, आलू बटाटा छोड़ने में, संयम लेने में, कभी भी जगत की ओर मत देखना, उस दिन इस जीवन चरित की ओर देखना, शर्म नहीं करना, संकोच नहीं करना, यह जीवन चरित की ओर देखना, एक गुरुदेव श्री के प्रति देखना, इन लोगों एक एक परिवार के प्रति देखना, इन्होंने कैसा समर्पण दिया था उस समय, बल है ना, बहुत कहने के लिए है, क्या कहे। अभी इसी समय तीसरी गिरनार यात्रा प्रारंभ हुई, 1200 लोग तीसरी गिरनार यात्रा के लिए गए, तीसरी बार फिर गिरनार यात्रा, गुरुदेव श्री की गिरनार यात्रा तो खूब पास पड़ता है ना, चलो मन हो गया चलो। और पाली ताना तो मेरे ख्याल से हजारों बार गए होंगे, क्यों, क्यों मंगलवर्धनी खड़ी रहती थी, तो रविवार के दिन रविवार के दिन प्रवचन हुआ, भोजन हुआ, और चलो करें क्या, क्यों खड़े खड़े गाड़ी खराब हो जावे करें क्या, तो गुरुदेव श्री एक दो ब्रह्मचारी को, कभी एक आध बच्चों को लेकर के बिठा ले दें, चलो और जावे। अब इसकी घटना क्या घटी, पालीताना आने जाने में भी गुरुदेव के साथ कईयों बार घटना घटी, कभी कोई एक्सीडेंट का शिकार मिल गया तो गुरुदेव उसको गाड़ी में बिठा करके हॉस्पिटल G3 में भर्ती करावे, और फिर G3 में भर्ती नहीं करावे, फिर गुरुदेव श्री जब तक वो भर्ती रहे तो देखने जावे, गरीब होवे तो मदद देवे, मदद देवे, और क्या कहवे, सामान्य सा आदमी दूध बेचने वाला, राजपूत दूध बेचने वाला, एक दिन एक्सीडेंट में गिर पड़ा, तो गाड़ी तो छोड़ के चली गई जो एक्सीडेंट करने वाली थी, अब वो पड़ा बेचारा, गुरुदेव श्री ने गाड़ी रोकी, उसको उठवाया, सब काम किया, उसकी सामान साइकिल पहुंचाई उसके घर, दूध के बर्तन पहुंचाए उसके, और गुरुदेव उसको लेकर के G3 में भर्ती कराने गए। अब वो भर्ती कराने गए तो वैसे तो सामान्य परिस्थिति, तो डॉक्टर तो केयर करे नहीं, लेकिन गुरुदेव श्री पहुंचे तो साथ में 8-10 सेठ भी पहुंचे, कभी कोई और भी पहुंचे, तो डॉक्टर को क्या लगे जे मरीज कोई स्पेशल है तो डॉक्टर ऑटोमेटिक उसकी इतनी सेवा करें, माने सब लोग उसकी बहुत अलर्टनेस, उसकी केयर इतनी करें। ऐसी घटनाएं तो मेरे ख्याल से सैकड़ों हैं, क्योंकि गुरुदेव श्री को यह रहता था, एक तो कैंसर हॉस्पिटल देखने जाते थे और एक इधर देखने जाते थे, गुरुदेव श्री को बैराग अंदर में देखने के लिए जब देखो जब बस G3 के हॉस्पिटल चले जावे, देखें वहां, अरे रे एक एक की दुख देखें, फिर वो प्रवचन में आके कहवे, अरे रे। अब मैं सुनाऊंगा, बाद में सुनाऊंगा, बहुत सारी प्रसंग ऐसे, तो फिर बाद में सुनाएंगे आपको। इस तरह से तीर्थ यात्रा हुई, और इसी बीच गुरुदेव श्री ने स्वप्न देखा, ज्येष्ठ सुदी आठम बुधवार 21 जून 1917 10:45 रात के पहले बहुत ही सुंदर सपना देखा गुरुदेव श्री ने, देखा आचार्य कुनकुन जंगल में पधारे हैं, आचार्य कुनकुन जंगल में पधारे हैं, और ये सूचना सोनगढ़ में आई तो गुरुदेव श्री ने सबको जाहिरात की कि चलो सभी लोग, और सारे लोग कोलाहल मच गया पूरे सोनगढ़ में, और लोग भीड़ के भीड़ बना करके जा रहे हैं जंगल में, और गुरुदेव श्री भी जंगल में गए,
और फिर ये सोच रहे हैं कि पंचम काल में गुरुदेव श्री तो 2000 वर्ष पहले चले गए, आज गुरुदेव श्री ये सोच रहे हैं कि आज आचार्य कुनकुन कैसे आ सकते हैं, नहीं सोचते भी जा रहे सपने में और जाते भी जा रहे और सभी लोग वहां पहुंचे, सभी बहुत प्रसन्न, खूब कोलाहल, मन में शंका भी हो रही है। फिर सोचते पता नहीं, खूब बड़ा वन, बहुत बड़ा वन, ऐसा लग रहा मानो विदेश क्षेत्र का कोई नगर हो, ऐसा लग रहा है ना। और ऐसा, और इन दिनों गुरुदेव श्री कहते थे मैंने कोई कुंद कुंद के बारे में विचार भी नहीं किया था, लेकिन ऑटोमेटिक ऐसे सपने आए। मालूम है क्यों बता रहा हूं ये सपना? इसलिए बता रहा हूं कि गुरुदेव श्री के सपने में ये नहीं आ रहे थे कि मैं ऐसे खा रहा हूं, ऐसे पी रहा हूं, ऐसे भोग रहा हूं, ऐसे हवाई जहाज में घूम रहा हूं, पिकनिक सैर सपाटा कर रहा हूं, ये नहीं आते थे। जिनको भगवान बनना है, जिनको भविष्य में मुनि बनना हो, जिस जीव के पवित्र परिणाम हो, उन्हें मुनियों के सपने आते हैं, उन्हें जिन शासन प्रभावना के सपने आते हैं, उन्हें सूत्र लिखे हुए पार्टियों के सपने आते हैं। हेलो, ऐसे एक बार ऐसा सपना देखा कि बहुत मुनिराजों का समूह बैठा हुआ है, आचार्य विराजे हुए हैं और गुरुदेव श्री वहां पहुंच गए और प्रणाम कर रहे हैं। तो गुरुदेव श्री को ऐसा लगे कि अरे कितना महाभाग, ये कहां से इतना बड़ा समूह आ गया, मानो समो शरण आ गया हो। ऐसे गुरुदेव को बड़ा उत्साह है अंदर से। अभी कई लोगों को ऐसा लग रहा पता नहीं झूठी सच्ची कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। असल में हम अपने चोर मन से सोचते ना, मैं चोर तो सब चोर, मैं गंदा तो सब गंदी। लेकिन भाई साहब, कोई कोई विरल पवित्र जीव ऐसे भी होते हैं जिनके हृदय में सपने कुछ और होते हैं, जिनकी आंखों के सपने ही कुछ और होते हैं, है ना। अभी चलें, इसी समय भावनगर में कांग्रेस का, पूरे इंडिया का कांग्रेस का महाअधिवेशन हुआ उसी समय सन 1961 में, और उसके भूतपूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष ढेबर भाई, वे गुरुदेव श्री को मिलने आए और गुरुदेव श्री के पास बैठ करके महाअधिवेशन छोड़कर, पूरे इंडिया का कांग्रेस का छोड़ करके एक घंटे के लिए गुरुदेव के पास आए और अकेले में बैठ करके एक घंटे चर्चा वार्ता करें। तब उनको ऐसा लगता था अरे हमारा जीवन कहां जा रहा है, आपके चरणों में बैठने में बड़ी शांति मिलती है। बीच बीच में 2-3-4 दिन का कार्यक्रम था महाअधिवेशन भावनगर का, तो कितने ही नेता गुरुदेव श्री को मिलने के लिए वहां पर आए। 1918-1962 में 73वीं जन्म जयंती राजकोट में मनाई गई, 6/5/1962 के दिन, रविवार के दिन। और इसी समय गुरुदेव श्री को मक्सिर माह माने दिसंबर 1962 में गुरुदेव की दाई आंख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ, दोनों आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ गुरुदेव श्री का। तो दाई आंख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ, 2.5 महीने प्रवचन बंद रहे, और इसी समय 2.5 दीप विधान किया गया सोनगढ़ में, 2.5 दीप का विधान किया गया। और एक बहुत अच्छी घटना घटी, वो भी सुनने जैसी। एक दीपचंद जी सेठिया हुए हैं, हालांकि इनका परिचय भी मुझे देना चाहिए विस्तार से, अब तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं ना असल में इन लोगों को परिचय नहीं दो जब तक इन्हें क्या समझ में आएगी दीपचंद जी सेठिया माने क्या। अब एक गुरुदेव श्री का जो अभिनंदन ग्रंथ निकला है, आप उसमें एक फूलचंद जी का लेख छपा है, फूलचंद जी का लेख, वो आप पढ़ लेना। उसमें अभिनंदन तो करना है गुरुदेव श्री का, और पूरे लेख में गुरुदेव श्री का नाम तक नहीं है। सबसे आखिरी के पैराग्राफ में गुरुदेव का नाम आया। उसमें 3 व्यक्तियों का वर्णन लिखा गया, नेमीचंद जी पाटनी, रामजी भाई दोषी और एक दीपचंद जी सेठिया। और सबसे आखिरी में ये लिखा कि कोई ये सोच रहा होगा कि मैं गुरुदेव श्री का अभिनंदन ग्रंथ में लेख लिख रहा हूं और 3 व्यक्तियों का वर्णन कर रहा हूं, ये क्यों? मैं ये कहना चाहता हूं कि गुरुदेव श्री का वर्णन करना तो मुश्किल है, जिसके 3 शिष्य इतने जोरदार हैं तो गुरुदेव कितने जोरदार होंगे बस इतना लिख करके लेख खत्म, इतना लिखकर लेख खत्म कि जिसके 3 शिष्य इतने जोरदार हुए हों और उनके वो कैसे होंगे। अब दीपचंद जी सेठिया के बारे में मुझे बहुत जानकारी आ रही है, लेकिन अभी सेंसर करनी पड़ेगी, तो आप पढ़ लेना, वो क्या करें बहुत बहुत गजब दीपचंद जी सेठिया। इन्होंने एक पोस्ट कार्ड लिखा, पोस्ट कार्ड 5 पैसे का पोस्ट कार्ड, और जब इन्हें मालूम पड़ गया कि गुरुदेव श्री की दोनों आंखें स्वस्थ, दोनों का मोतियाबिंद का सक्सेस ऑपरेशन हो गया,
तो इतना प्रमोद हुआ अपने गांव से, इतना प्रमोद हुआ कि अपने गांव में रहते हुए 5 पैसे के पोस्ट कार्ड पर लिखा कि मेरी होर से 25,001 रुपया ज्ञान दान खाते, गुरुदेव की प्रभावना में ज्ञान दान खाते 25,001 रुपया उस जमाने में। दीपचंद जी सेठिया और गुरुदेव श्री पोस्ट कार्ड आवे तो हंसे ये एक पोस्ट कार्ड पे इतनी बड़ी राशि, इतनी बड़ी आज के हिसाब से कितनी राशि होनी चाहिए, इतनी बड़ी राशि एक पोस्ट कार्ड पे बताना। ये है कि गुरुदेव श्री के ऊपर अपना तन मन धन न्योछावर करने वालों की कमी नहीं थी, अब जरूरत है केवल अपनी परिणति न्योछावर करने की। क्या कह रहे हैं? किस बात की जरूरत है? अपनी परिणति। पैसा तो आज भी न्योछावर कर सकते हो लेकिन परिणति अर्पणता अद्भुत बात है ना। इसी समय 10 वर्ष हो गए मान स्तंभ के महाअभिषेक किया गया, 10 वर्ष हो गए मान स्तंभ बने हुए तो उसका महाअभिषेक किया गया। और एक बात मैं भूल गया था, आज बताता हूं देखो। और सबसे पहले गुरुदेव श्री ने स्वर्ण कलश से अभिषेक किया। देखो गुरुदेव श्री को कितना उत्साह, कितने वर्ष की उम्र हो गई हो? 72 वर्ष कंप्लीटेड, 72 ईयर्स ओल्ड। मंच बनाया गया तो जिस समय मान स्तंभ की प्रतिष्ठा हुई थी 10 वर्ष पहले, उस समय में भी करीब 2-2.5 महीने तक मंच बना रहा, बना रहा। और गुरुदेव श्री प्रतिदिन उस मंच पर चढ़ करके मान स्तंभ के सामने बैठकर अकेले में सीमंदर भगवान की प्रतिमा निहारते, ध्यान लगाते, ऐसे बैठते, भक्ति करते, पूजा करते, प्रतिदिन 2-2.5 महीने प्रतिदिन। और कितनी बार तो सब लोग वो मंच पे गुरुदेव ऊपर बैठ गए भगवान के सामने और सब लोग नीचे नीचे और सब पूजा कर रहे वहीं सामूहिक, और ऐसे यहां भी ऊपर मंच बना रहा। तो गुरुदेव श्री तो रोज रोज जावे, रोज रोज बैठे, रोज रोज भक्ति करें, रोज रोज पूजा करें। जब गुरुदेव उतर के जावे तो फिर बैंस श्री का नंबर आवे फिर दोनों बैंस श्री जावे फिर वे पूजा करें। अरे कुल मिलाकर के सोनगढ़ के दिन शायद अब लौटने वाले हैं, ऐसे दिन अपन सुन लो, इसमें ही कम से कम भाग्य है अपना कि एक एक दिन एक एक बरस सोनगढ़ में कैसे उत्सव होते थे, कैसी भक्ति होती थी, कोई अद्भुत दिन थे। इस तरह से 2018 पूरा हुआ। 2019 74वीं जन्म जयंती लाठी में मनाई गई और 74 बैलगाड़ियों का शानदार जुलूस। अब बैलगाड़ियों का नाम पे आपको थोड़ी कुछ लगेगा, गांव में जाके देखो, गांव में 74 बैलगाड़ी लाने वालों का उत्साह देखो, आजियनों का दौड़े चले आ रहे हैं, अरे साहब है ना शानदार। इसी समय जिन मंदिर में जो लाठी का मंदिर है इसका नया शिखर बनाया गया, पहले शिखर नहीं था अभी शिखर बना और उसका कार्यक्रम हुआ। भादों में 8 बहनों ने ब्रह्मचर्य लिया। इस समय भादोवादी पंचमी मनफूला स्वाध्याय भवन ब्रह्मचर्य आश्रम में जो है इसका उद्घाटन हुआ। और इसी समय गुरुदेव दक्षिण तीर्थ यात्रा करने के लिए 1,000 लोगों को लेकर गए पौंडुरमलई। अभी पौंडुरमलई की घटना सुनने जैसी, पौंडुरमलई नाम का तीर्थ क्षेत्र गुरुदेव से पहले कोई जानता ही नहीं था, जानता ही नहीं थे पौंडुरमलई, जहां से तीर्थ है वो आचार्य कौन कौन देव विदेह क्षेत्र गए और जहां से आकर के पंच परमागम लिखे और जहां पर उन्होंने तपस्या की कोई नहीं जानता था। लेकिन गुरुदेव श्री की तीर्थयात्रा निकली तो जाने कहां से विकल्प आया कि पौंडुरमलई, और ढूंढते 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 कोई सड़क नहीं, कोई रास्ता नहीं। आज जैसी पक्की सड़क नहीं थी, अब तो बहुत सुविधा करा दी अभी तो। और ढूंढते ढूंढते गए, फिर पर्वत पर ढूंढा, पर्वत पर्वत ढूंढे और उस पर्वत पे विशाल चरण अकेले मिले। मंदिर नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ चरण मिले, एक गुफा मिली। और फिर वहां तपास किया सब में, तब ये मालूम पड़ा कि आचार कुन कुन देव की तपोभूमि है। एक गुरुदेव श्री के प्रताप से पौंडुरमलई प्रकाश में आया, वे चरण प्रकाश में आए। तभी तत्काल गुरुदेव ने कहा फाड़ो करो, क्या बोलते हैं आप, हाँ इकट्ठा करो पैसा, यहां मंदिर बनेगा फिर वो गुमटी बनाई छोटी, फिर बाद में बड़ी की उसको पूरा साइज। और आज तो बहुत सुविधाएं हो गई, अभी
है ना, अपने अभी बहुत कार्यक्रम हो रहा है इसमें, तभी जानकारी आप ले लेना विस्तार से, अभी उसकी जानकारी हम नहीं दे रहे हैं। इस तरह पौनूर मलई का काम हुआ राजकोट में भी इसी समय। हाँ, और तमिलनाडु में जब गुरुदेव गए यहीं पौनूर मलई में, तो तमिलनाडु की सारी समाज आई और गुरुदेव श्री का जोरदार अभिनंदन किया और गुरुदेव श्री को ये कहा कि आप ही आचार्य कुंद कुंद के सच्चे पुत्र हो, ऐसा कह करके जोरदार अभिनंदन। वो आप पुस्तक पढ़ेंगे ना, उसमें अभिनंदन का विवरण है पूरा, वो आप पढ़ सकते हो। और इसी के साथ राजकोट में समोसरण और मानस्तंभ की शिलान्यास हुआ इसी बरस में, और रखियाल में बेदी प्रतिष्ठा। और अब 2020 कल चलेगा, नहीं अभी थोड़ा सा 19 में और रह गया, थोड़ा सा और सुन लो, दो मिनट। इसी समय गुरुदेव तीर्थ यात्रा करते करते भोपाल पहुंचे और भोपाल में भी बेदी प्रतिष्ठा हुई, स्वाध्याय भवन का उद्घाटन हुआ और गुरुदेव श्री पहली बार शांतिनाथ भगवान के रथ में सारथी तरीके बैठे। सारथी तरीके, अब वर्णन तो बहुत अच्छा है माँ, अरे वास्तव में आप सारथी क्या हो, आप तो जिन शासन के सारथी हो, जिन शासन भी आप ही चला रहे थे तो उसमें बड़े शोभा, लोगों को पहली बार बैठा देखा तो बड़ा आनंद आवे लोगों को देखने में, उसका फोटो भी है छपा हुआ है ना। और यहां से गुरुदेव जेठ सुदी के दिन विदिशा पहुंचे, विदिशा में स्वाध्याय भवन का शिलान्यास इसी समय किया गया। इंदौर पहुंचे तो तिलक नगर मंदिर का शिलान्यास किया, यहां पर 6000 लोग इकट्ठे हुए। उज्जैन में क्षीर सागर मंदिर का उद्घाटन और स्वाध्याय भवन का शिलान्यास यहां पर किया गया, नहीं उल्टा कह रहा हूं मैं, स्वाध्याय भवन का उद्घाटन और ऊपर मंदिर बनाने के लिए शिलान्यास किया गया। इस तरह ये उस समय तक के कार्यक्रम है, 2020 की चर्चा कल करेंगे। थोड़ा थोड़ा जल्दी भी खींच रहे हैं, आप बुरा नहीं मानना, वैसे इच्छा तो यही होती है कि कम से कम 2-3 महीने चले आराम से तो पूरा आनंद आवे। ओम नमः शिवाय। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लो का लो सोवाणी मस्तक न हो सदा देत हो दो।